नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधाकर भट्ट और आप देख रहे हैं बारामास। इतिहास की इसी कड़ी में आज हम आपको बताएंगे टिहरी जिले के अंतर्गत प्रसिद्ध बाजार चमियाला के बारे में। कैसे शून्य जनसंख्या वाला मटरू की चौरी एक प्रसिद्ध चमियाला बाजार बन गया, बेलेश्वर धाम कब और किसके द्वारा स्थापित किया गया, वह जब इन पाँच पट्टियों का व सैकड़ों गाँव का बाजार चमियाला नहीं था तो कहाँ था। 19वीं सदी से पूर्व जब घनसाली बाजार भी अस्तित्व में नहीं था तो उस वक्त बालगंगा व भिलंगना घाटी के लगभग 11 पट्टियों का मुख्य बाजार भिलंगना नदी के तट पर बसे घोंटी में हुआ करता था, जहां पर साधुराम व इंद्र सिंह सरदार जी की दुकान हुआ करती थी। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये वही स्थान है जो कभी घोंटी बाजार हुआ करता था, लेकिन टिहरी डैम बनने के बाद यह बाजार जल समाधि ले चुका है व इसके कुछ अवशेष अब भी यहाँ मौजूद हैं। 19वीं सदी के प्रारंभ में घनसाली बाजार अस्तित्व में आने लगा तो भिलंगना घाटी से सटे 5-6 पट्टियों का मुख्य बाजार घनसाली बन गया। लेकिन बालगंगा घाटी से सटे 5 पट्टियों आरगढ़, गोनगढ़, केमर बासर व थाती कठुर का मुख्य बाजार उस वक्त तक भी घोंटी ही हुआ करता था और मटरू की चौरी में यात्रियों का व घोड़े खच्चरों का पड़ाव हुआ करता था। मान्यता है कि मटरू की चौरी मटरू नामक एक संत के नाम पर रखा गया। मटरू नाम के यह संत बासर पट्टी के राजा माने जाने वाले चंफुआ देवता के उपासक थे और वे यहाँ कुटिया में रहा करते थे। उनके देहांत के पश्चात स्थानीय लोगों द्वारा उनके सम्मान स्वरूप उस स्थान का नाम मटरू की चौरी रखा गया। चमियाला गांव उस वक्त मटरू की चौरी के उत्तर पश्चिम दिशा में हुआ करता था, जहां ललवाण मूल जाति के लोग रहा करते थे। अन्य लोगों ने यहां पर ज़मीनें खरीदी और मकान दुकान बनाने शुरू किए। धीरे धीरे वक्त के साथ साथ मटरू की चौरी चमियाला बाजार बन गया। सन 1950 के आसपास रामेश्वर प्रसाद व्यास जी द्वारा मटरू की चौरी में पहली दुकान शुरू की गई और इसी के साथ चमियाला बाजार की नींव भी पड़ी। दूसरी दुकान लगभग 1955 में सरदार किशन लाल व सीताराम जी द्वारा शुरू की गई। आज़ादी के बाद सन 1953 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा प्रसार समिति का गठन किया गया और उसी के साथ कोठियाड़ा में राजकीय प्राथमिक विद्यालय की स्थापना भी हुई। उससे पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु यहाँ से पुरानी टिहरी जाना पड़ता था। 60वें दशक के शुरुआती कुछ वर्षों में ही यहाँ पोस्ट ऑफिस भी आया व उसी दौरान क्षेत्र के कुछ सम्मानित व्यक्तियों नरहरिदत्त पैनुली, रामेश्वर प्रसाद व्यास व अन्य साथियों के नेतृत्व में एक संघ समिति का गठन किया गया और धन एकत्रित कर क्षेत्र की खुशहाली हेतु भीलेश्वर महादेव मंदिर में अष्टादश महापुराण यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ संस्कार में बची हुई धनराशि से सर्वसम्मति के साथ चामा में एक संघ भवन का निर्माण किया गया व उस भवन का उपयोग जूनियर हाई स्कूल हेतु किया गया। कुछ समय बाद संघ भवन से शुरू हुआ इस विद्यालय का हाई स्कूल में उच्चीकरण हुआ और यह चमियाला से सटे उस वक्त फतेहपुर में चला गया। फतेहपुर का नाम ही आगे लाटा हुआ, जहां बाद में इस विद्यालय के इर्द गिर्द एक छोटा बाजार बन गया। बाद में यह विद्यालय हाई स्कूल से इंटरमीडिएट हो गया, जो राजकीय इंटर कॉलेज चमियाला के नाम से मौजूद है। हालांकि लाटा में स्थित होने के कारण आपसी वार्तालाप में सभी इस विद्यालय को लाटा का कॉलेज ही कहते हैं। संघ भवन की खंडहर हो चुकी इमारत आज भी चमियाला से सटे चामा में मौजूद है और अपने इतिहास की कहानी बयां कर रही है। सन 1974 में यहाँ कच्ची सड़क मार्ग पर पहली यातायात कंपनी की बस आई। सन 1999 में चमियाला के स्थानीय निवासियों द्वारा चंदा एकत्रित कर श्री भीलेश्वर महादेव मंदिर में 18 पुराणों का आयोजन किया गया। इस अष्टादश पुराण समिति के अध्यक्ष केदार सिंह रोतेला जी थे व इसमें विजयदत्त ममगाई, उमेद सिंह नेगी, उमेद सिंह चौहान आदि स्थानीय सदस्य शामिल थे। पुराण संपन्न होने के बाद कार्यदायी संस्था के पास 2 लाख रुपए की धनराशि बच गई तो विचार ये उठा कि इस शुभ कार्य से एकत्रित धनराशि को किस दूसरे पुण्य कार्य पर लगाया जाए।
उस वक्त पुरानी टिहरी विस्थापन के चलते अस्पताल की कमी से भारी समस्या हो रही थी। इसी के चलते सर्वसम्मति से स्थानीय लोगों के द्वारा वर्ष 2000 में बची हुई धनराशि से व कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा दान स्वरूप अस्पताल हेतु 5.5 बीघा जमीन संरक्षित की गई। इस जमीन पर वर्ष 2010 में TSDC द्वारा अस्पताल के भवन का निर्माण किया गया। भवन निर्माण व संभवतः उद्घाटन के उपरांत इस स्वास्थ्य केंद्र को टिहरी लोकसभा के भूतपूर्व सांसद स्वर्गीय श्री त्रिपन सिंह नेगी जी के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखा गया और आज यह अस्पताल उन्हीं के नाम से बेलेश्वर धाम के निकट आसपास के सभी क्षेत्रवासियों को अपनी सेवाएं दे रहा है। वर्ष 2015-16 में सिरकोट, लाटा व चमियाला 3 ग्राम पंचायतों का विलय कर चमियाला नगर पंचायत बना दिया गया। आज चमियाला बाजार लगभग 10,000 से अधिक की जनसंख्या वाला क्षेत्र व 3 किलोमीटर के दायरे में फैला 5 पट्टियों का मुख्य व्यावसायिक केंद्र बन चुका है। चमियाला की बात होगी तो बेलेश्वर धाम का जिक्र होना स्वाभाविक है, क्योंकि यह चमियाला ही नहीं अपितु पूरे क्षेत्र की आस्था का प्रमुख केंद्र है। वह स्कंद पुराण के केदारखंड में इस मंदिर का जिक्र प्रमुखता से किया गया है। मान्यतानुसार द्वापर युग में हुए महाभारत युद्ध से पांडवों द्वारा कौरव वंश के पतन के कारण गोत्र हत्या का पाप लग गया था। इस पाप से मुक्ति पाने हेतु पांडव श्री कृष्ण के मार्गदर्शन पर कुरुक्षेत्र हरिद्वार से मध्य हिमालय के तरफ महादेव शिव की खोज में निकल पड़ते हैं। पांडवों का पहला पड़ाव टिहरी स्थित भागीरथी व भिलंगना के तट पर होता है और यहीं से मासरताल तक मध्य हिमालय भी है। वहां पर वह श्री गणेश भगवान की उपासना करते हैं। इस स्थान को गणेश प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। पांडवों द्वारा यहाँ पर छोटे से मंदिर की स्थापना भी की गई। माना जाता है कि बद्रीनाथ का मुख्य मंदिर यही है। उसके बाद पांडव वहां से आगे हिमालय की ओर निकलते हैं। जंगल में अर्जुन को एक सुअर नजर आता है। धनुर्धारी अर्जुन प्राण रक्षा हेतु उस पर बाण छोड़ देते हैं, लेकिन वह बाण निष्फल हो जाता है। उसी वक्त वहां पर नग्न अवस्था में भील समुदाय का एक व्यक्ति आकर उस सुअर पर त्रिशूल से वार कर उसका वध कर देता है। धनुर्विद्या के प्रखंड विद्वान अर्जुन हैरान व परेशान होकर धर्मराज युधिष्ठिर के पास जाकर पूरी बात बताते हैं, लेकिन धर्मराज भगवान शिव की लीला को समझ जाते हैं और अर्जुन को कहते हैं कि वह भील नहीं बल्कि स्वयं शिव थे। पांचों पांडव उस स्थान पर जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि एक गाय शिवलिंग को अपने दूध से स्नान करवा रही है। उसके बाद पांचों पांडव अपने अस्त्र शस्त्रों का त्याग कर उस पवित्र स्थान को मंदिर का स्वरूप देकर शिव की उपासना कर हिमालय की ओर निकल जाते हैं। इसी कारण इस स्थान का नाम भीलेश्वर हुआ और आज समय के साथ साथ भीलेश्वर नाम का अपभ्रंश बेलेश्वर हो चुका है। इस धाम को प्रथम केदार भी कहा जाता है। मान्यता अनुसार पांडवों द्वारा स्थापित झोपड़ी नुमा मंदिर को आज से लगभग 180 वर्ष पूर्व स्थानीय लोगों द्वारा पुनर्निर्मित किया गया। उसके बाद समय समय पर मंदिर समिति द्वारा मंदिर का नए स्वरूप में पुनर्निर्माण किया जाता रहा है।